जैसा कि आपको ज्ञात है, 1 मई से 18 प्लस यानी कि 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैक्सीनेशन के लिए हम किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करें और इसका अपॉइंटमेंट यानी कि जो शेड्यूल है वो हम किस प्रकार से लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ गूगल के सर्च बार में लिखना होगा selfregistration.cowin.go.in। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपके सामने ओपन हो गया है। वैसे इस लिंक को हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये लिंक आपको उपलब्ध रहेगा। अब आपको यहाँ वह मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, चाहे वो संबंधित मोबाइल से हो या किसी अदर मोबाइल से, और यहाँ गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो एक वन टाइम पासवर्ड उस मोबाइल पर मैसेज के रूप में चला जाएगा। देखिए, हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल के देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में मैसेज चला जाता है। इस मैसेज का OTP 180 सेकंड में आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। देखिए, ये OTP आ गए हैं। देखिए, हम जैसे ही OTP वेरीफाई करते हैं तो कोविन की साइट पर हम एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हम एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 का रजिस्ट्रेशन पहले ही किया हुआ है। अब हम अगर एक और मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड मेंबर पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ सबसे पहले आपको ID प्रूफ चूज करना होगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी ID आपके पास है, वोटर ID, किसी भी प्रकार के ID को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप ID चूज करते हैं तो यहाँ उस ID के आपको नंबर ऐड करने होंगे और उसके बाद में उस ID में जिस प्रकार का भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ आपको जेंडर, मेल, फीमेल या अदर्स जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में जो ID पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो आपको यहाँ केवल ईयर डालने हैं। मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है तो केवल आपको यहाँ 2001 ही ऐड करनी है और उसके बाद में यहाँ आपको ऐड कर देना है। देखिए, ये हमारा नया मेंबर ऐड हो गया है। अब हमें फर्स्ट डोज के लिए शेड्यूल लेना है, यानी कि हमको ये डोज कब लगवानी है इसके लिए हमें शेड्यूल लेना है। मैंने सिक्योरिटी के कारण इसको हाइड किया हुआ है इसलिए आपको ये पेज धुंधला दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब हम यहाँ जैसे ही शेड्यूल पर क्लिक करते हैं तो शेड्यूल नाउ का ऑप्शन हमको यहाँ मिल जाता है। जैसे ही आप शेड्यूल नाउ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। हमें यहाँ पर हॉस्पिटल चूज करना है जिस हॉस्पिटल या वैक्सीनेशन सेंटर पर हमको डोज लगवानी है। हम 2 प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पिन कोड डालकर और यहाँ बाय डिस्ट्रिक्ट द्वारा। हमको यहाँ पिन नंबर से सर्च करना है तो यहाँ पिन कोड डालना होगा। जो हमारा पिन कोड है वो यहाँ डालकर हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हॉस्पिटलों की जो लिस्ट है वो हमारे सामने यहाँ ओपन हो जाती है। देखिए, यहाँ आपको अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर एज 45 प्लस का वैक्सीनेशन हो रहा है और यहाँ पर 50 डोज आपके सामने यहाँ बची हुई हैं। इसी प्रकार से देखिए, इस PSC पर 18 प्लस का वैक्सीनेशन पूरी तरह से बुकड है, यानी कि यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी। इसके यहाँ पिन कोड से हमको एक भी हॉस्पिटल यानी कि एक भी वैक्सीनेशन सेंटर 18 प्लस का नहीं मिला है तो हमको यहाँ डिस्ट्रिक्ट से सर्च करना होगा। जैसे ही हम यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालकर सर्च करते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। जिस जो भी सेंटर आपके नज़दीक हो उस सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से सर्च करने पर यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के वैक्सीनेशन सेंटर आपके सामने ओपन हो जाते हैं।
देखिए ये जो दिया गया है CHC, यहाँ पर 52 डोज अभी बची हुई हैं और ये 18 प्लस को लगने वाली हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से देखिए इसका शेड्यूल आपके सामने स्लॉट टाइम का ओपन हो जाता है। 9 से 11 में लेना चाहोगे या 11 से 1 में लेना चाहोगे या 1 से 3 में या 3 से 5 में, जहाँ भी आप लेना चाहते हो उस टाइम स्लॉट पर आप क्लिक करके यहाँ कन्फर्म कर दो। जैसे ही आप कन्फर्म करोगे तो रेफरेंस ID सहित मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जो भी मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार से मित्रों आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और टाइम शेड्यूल या अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आप डोज नहीं लगवा सकते हैं। जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन कराकर टाइम शेड्यूल ले लेते हैं तो एक ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए और वैक्सीनेशन सेंटर पे वो शेड्यूल आपको दिखाना होगा। देखिए इस प्रकार की अपॉइंटमेंट स्लिप आपको डाउनलोड हो जाएगी और इस अपॉइंटमेंट स्लिप को दिखाकर आप संबंधित टाइम पर आपकी डोज लगवा सकते हैं। साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।